फ्रेंड्स, मेरा नाम कनक कुमार है। मैं आज आपको फिजिक्स का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इसमें क्या क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस वगैरह कराऊँगा, बीच में फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताऊँगा, और आपके काफ़ी अच्छे एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स, रेस्ट या मोशन, काइनेमेटिक्स नोन एज रेस्ट या फिर मोशन। काइनेमेटिक्स को हम रेस्ट या फिर मोशन की स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा रेस्ट एंड मोशन की। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे सीधे बात करेंगे थ्योरी और सब चीज़ की, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे जैसे कोई मान लीजिए एक व्हीकल है, उस व्हीकल में फ्रेंड्स मान लीजिए वो एक मोशन की पोजीशन में है, तो वो कभी ना कभी तो रेस्ट में आएगा, कभी ना कभी उसको पेट्रोल खत्म होगा। तो फ्रेंड्स, जब वो ख़त्म होगा पेट्रोल, तो वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि मोशन से रेस्ट। अगर कोई चीज़ रेस्ट में, मान लीजिए कोई आपका आप यानी कि आराम कर रहे हो, रेस्ट की पोजीशन में हो, तो आप कभी ना कभी तो मोशन की पोजीशन में आना चाहोगे। ठीक है, हमारी बॉडी की टेंडेंसी, हम अपने मोशन में आना चाहते हैं, तो डैट इज टेंडेंसी इज कॉल्ड मतलब रेस्ट से मोशन में आना, मतलब रेस्ट से मोशन में आना चाहते हो आप। तो मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये, अगर कोई चीज़ रेस्ट एंड मोशन में है, तो वो अपनी स्टेट में आना चाहिए, किसी नेक्स्ट स्टेट में जाना चाहेगी स्टेट में। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बात देखिए, मैंने बोला आपसे कोई व्हीकल है, मोशन कर रहा है, देखो मोशन करता ही रहेगा, पेट्रोल खत्म, तो मैंने बोल दिया आपको पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो रेस्ट में आएगा कभी ना कभी, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट में तो आएगा, यानी कि एब्सोल्यूट मोशन में कोई ना कोई चीज तो जाएगी, यानी कि एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट किसी, मतलब कोई इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन का मतलब है कोई चीज या तो बिल्कुल मोशन में हो जाए, या चीज कोई फिर रेस्ट में हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मीन्स करेक्टली, एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन कांट बी पॉसिबल आप ही देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई चीज रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए कि नहीं? फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला था, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो मोशन में आना चाहिए, अगर कोई चीज मोशन में तो रेस्ट में आना चाहिए। सो दे आर द रिलेटिव टर्म्स, एंड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन कैन नॉट बी पॉसिबल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर के पास आ रहे हैं। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम फ्रेंड्स रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन, मतलब और नहीं एंड, सर्कुलेटरी और मीन्स एंड, मतलब एंड है इस जगह एंड। ठीक है, और नहीं एंड है, सर्कुलेटरी या फिर रोटेटरी। मतलब सर्कुलेटरी रोटेटरी दोनों एक साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, मोशन। एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो तीनों की एक एक बात करते हैं। देखो इसमें तो हम पूरे चैप्टर के बारे में बात करना है,
रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटिव मोशन, बिकॉज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी रोटेटरी की। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज सर्कल में रोटेट हो रही है, यानी मतलब रोटेट नहीं सर्कल में मूव कर रही है, तो सर्कुलर मोशन होगा। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद इट्स ओन रोटेशन, मतलब खुद भी रोटेट करिए मूव भी करिए, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। देखो उसमें सर्कुलर भी आ गया, जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसमें देखो फ्रेंड्स जो है एक तो सर्कुलेटरी मोशन हो ही रहा है, रोटेटरी वो खुद अपनी जगह भी घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेट, मतलब अपनी जगह पर खुद घूमना, पोजीशन मतलब रेस्ट की पोजीशन वो तो रोटेटरी होगा, मतलब खुद रेस्ट में है। मतलब ये मार्कर मान लीजिए इसका एक एक्सिस फिक्स है, ये इस जगह गोल गोल ऐसे घूमता है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, ये दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर ये रोटेटरी मोशन करके आगे बढ़ता रहे, ठीक है, या फिर आगे ऐसे बढ़ता रहे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी दोनों मिक्स होके क्या आप बोलेगा, इसको हम रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं या फिर सर्कुलर मोशन भी, रोटेटरी सर्कुलर मोशन दोनों कलेक्शन है, अगर ये मार्कर रोटेट भी कर रहा है सर्कुलेट भी कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो सर्कुलेटरी मोशन ये हो गया, अगर रोटेटरी है अपनी पोजिशन पर ही घूमेगा, और रोटेटरी सर्कुलेटरी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब वाइब्रेशनल मोशन, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल ए है एंड कोई पार्टिकल बी है, अगर फ्रेंड्स बाहर से कोई साउंड आएगी, बाहर से अगर मान लीजिए कोई साउंड आई, तो वो दोनों को कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, जिस फर्क जो पड़ेगा ना फ्रेंड्स, वो जो इन दोनों पार्टिकल पे पड़ेगा वो पार्टिकल को डिफाइन करेगा वो किस रेस्ट में, मतलब किस पोजिशन में है। तो जब भी पार्टिकल सो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, मतलब कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, तो मतलब वाइब्रेट ये तो ऑसिलेशन में हो गया। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑसिलेशन समझते हैं, उसके बाद वाइब्रेशन समझते हैं। सिंपल पेंडुलम देखा है, ठीक है, अगर कोई बॉडी आगे फिर पीछे मूव कर रही है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, वो डिफाइन करा जाता है वाइब्रेशनल मोशन की। देखो फ्रेंड्स ये आगे पीछे आ रहा है, जब आगे पीछे आ रहा होगा तो एक एयर पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद देखो आपने कभी कोई डंडा लिया है उसको एयर में मारते हो तो वो एक साउंड सा क्रिएट करता है, वो साउंड जो है ना अगर यहीं पर सिंपल पेंडुलम में आगे पीछे हो रही है तो वो जो साउंड जो होगी तो वो वाइब्रेशनल मोशन क्रिएट करेगी। अब वो साउंड मान लीजिए दो पार्टिकल यहाँ पर जाएगी तो इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी और क्रिएट करेगी नॉइज, ठीक है फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स वाइब्रेशनल मोशन। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक वीडियो को दोबारा देख लें। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन द मोशन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड इट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन या फिर रेक्टिलिनियर, देखो फ्रेंड्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, या ठीक है ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब रेक्टिलिनियर में ऐसा क्या होता है, देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो जब कोई पार्टिकल ये कुछ अलग है दोनों से, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वो तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोल दिया और उस मोशन के टाइप को एक रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। मतलब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है स्ट्रेट पे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, थोड़ा बहुत कर्व आएगा तो वो तो मतलब ट्रांसलेटरी नहीं हुआ उस जगह कर्व की जगह। अगर कोई बॉडी मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है चाहे कर्व भी आ जाए पर स्ट्रेट लाइन मोशन तो बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, बट उस चीज को कर्व चीज को रिमूव करने के लिए नेगलेक्ट करने के लिए हम उसको रेक्टिलिनियर बोल देते हैं। मतलब अगर चाहे रोड ऐसा है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, अगर रोड ऐसा है तो यहाँ पर रोटेट वो सर्कुलेटरी हो सकता है नहीं फ्रेंड्स सॉरी हो सकता है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस मोशन को जब ये पाथ मतलब बॉडी तो सीधा मूव करेगा लेकिन कुछ रास्ता ही ऐसा है तो क्या करेगा, तो उस मोशन को भी हम रेक्टिलिनियर मोशन नाम देते हैं। बस ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में यही डिफरेंस, अगर कहीं करवा जाए ना तो रेक्टिलिनियर मोशन नाम देगा, अगर कोई स्ट्रेट है तो ट्रांसलेटरी, ठीक है। अब ये मत बोल देना सर्कुलेटरी मोशन है वही ट्रांसलेटरी हो सकता सॉरी रेक्टिलिनियर हो सकता, नहीं फ्रेंड्स ऐसे नहीं, ओनली जस्ट अ माइन्यूट। तो आगे बढ़ते हैं, अब पकड़ लो आप इसमें से ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन को भी छोड़ दो, ये जो छह मैंने दिखाए थे आपको मोशन के टाइप तीन थे, तीन तीन के मैंने पेयर बनाए थे,
ठीक है, छह हो गए जिसमें से आपको एक पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। ठीक है, आओ चलते हैं आगे, पूरा इरेज कर देता हूँ बोर्ड ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। आओ सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करें, चलो पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम देखो, टाइम फ्रेंड क्या है, टाइम को आप मेजर करते हो, मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया, फिजिकल वर्ल्ड में काफी बताया। देखो फ्रेंड्स, टाइम क्या है ना, एक टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, देखो फ्रेंड्स, जब भी हम मेजर करते हैं तो टाइम को बोलते हैं यार 5:30 हो रहे हैं, यार कोई ये बोलता है कि 5:30 नॉर्थ डायरेक्शन हो रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, वो बोलते हैं 5:30 हो रहे हैं, यानी कि एक मैग्नीट्यूड बताते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, मतलब उस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जो ऐसा यूनिट है आपको पता है, सेकेंड्स, ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, कोई भी पार्टिकल है एक टाइम पर एक ही जगह प्रेजेंट रह सकता है, यानी कि मान लीजिए ये मार्कर है इस जगह, अब मेरे पास ये मार्कर है, ऐसा नहीं है ये मार्कर दिल्ली में ही हो, लेकिन हाँ इसका क्लोन जरूर मिल सकता है दिल्ली में, कॉपी जरूर मिल सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो मार्कर है, ये मार्कर मेरे ही पास है, ये मार्कर किसी और जगह नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स ये जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ना एक ही टाइम पर, मान लीजिए 5:30 पर आप थे दुबई, ठीक है ना फ्रेंड्स, 5:31 पे आप अगेन दुबई थे, ठीक है 5:32 पे आपसे यूं नहीं बोल सकता कोई, मतलब ये टाइम पीएम में चल रहा है, ठीक है पीएम में, मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता आप इंडिया में भी हो, ठीक है आप इंडिया में दुबई में दोनों जगह, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, आप एक और चीज है जो टाइम के बारे में बतानी है, टाइम को आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ यार फ्रेंड गाड़ी में, नहीं फ्रेंड्स एक्चुअल टाइम कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज, वर्ड आ रहा है यहाँ पर, एक्चुअल टाइम कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब टाइम कांट बी चेंज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते हम, जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो वॉचेस में टाइम चल रहा है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल टाइम की, घड़ी वाले टाइम की बात नहीं कर रहे, घड़ी वाले के टाइम की बात नहीं कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोकेशन या फिर पोजीशन वेक्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा सा टाइम के बारे में हो गया, लोकेशन या फिर पोजीशन वेक्टर, अभी टाइम के बारे में बात करिए, अभी हम एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, लोकेशन या फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लोकेशन पोजीशन वेक्टर, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल कितने डायरेक्शन में चला जा सकता है, अगर आप कार्टेशियन प्लेन को देखें तो तीन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रॉ करते हैं, देखो फ्रेंड्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, अब माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड इज पॉसिबल, लेकिन हम बना रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई पार्टिकल था, यहां पर थे जीरो जीरो जीरो, ठीक है जीरो जीरो, अब फ्रेंड्स कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां से स्टार्ट होके एक ए पोजीशन पर पहुंच गया, ए, ठीक है, वहां का था जो डायमेंशन थी वहां की थी एक्स वन, वाई वन, जेड वन, अब कोई पार्टिकल वहीं से पहुंच गया बी पर, उसकी भी डायमेंशन थी एक्स टू, वाई टू एंड जेड टू, अब फ्रेंड्स क्या था, इन दोनों का ये तो डिस्टेंस कवर्ड कर लिया किसी ने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब किसी को डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो कैसे करेगा, मतलब डिस्टेंस कवर करेगा ए और बी के बीच में, तो वो ऐसे कवर करेगा, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर कर लिया किसी ने और ये हो गया डेड डेड डैश लाइन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हम इसको सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, जो पोजिशन वैक्टर है ना ये हमको रिप्रेजेंट करता है, ये इनका डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब कितना कम हो सकता है, मतलब ये जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा ये कितना होता है, अगर हम कोई ए से यहाँ पी से ए तक गया और पी से बी तक गया, तो ये डॉट अगर हम बताना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम बता सकते हैं इस पोजिशन वैक्टर के थ्रू, तो ऐसे बताएंगे। देखो
R1 के ऊपर वेक्टर, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा आपने, समझ जाते होगे, लेकिन अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो R1 वेक्टर होता है X1 -0 i कैप प्लस X2 -0 अगेन यहां पर आएगा, बताइए z कैप आएगा, एंड z1 -0 k कैप हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह x2 -0 y2 -0 z2 -0 लिख सकते हैं, ठीक है। r2 को इसको मान लेते हैं हम r1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं r2 वेक्टर, इसको मान लेते हैं चेंज डेल्टा r, ठीक है। अब r2 इसी तरह होगा x2 -0 प्लस y2 -0 y2 -0 और तीसरा क्या होगा z2 -0 के कैप, नहीं दिख रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो वगैरह रिवाइंड करके देख लीजिए, वैसे मैं नोट्स में डाल दूंगा सब चीजें, ठीक है। अब जो हमारे पास चेंज मिला वो कितना मिला, देखो फ्रेंड्स अगर हम x1 में से अगर हम 0 माइनस करें कितना आएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ऐसे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है, i j कैप मिल जाएगा। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो डेल्टा आर आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो मैक्सिमम है, यानी कि r2 मैक्सिमम मान लेते हैं r1 में से, तो वो होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 की इसमें वैल्यू पुट करिए, r1 की इसमें वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आपका आंसर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब आगे चलते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस की। आप अगर नोट्स उतारना चाहते हैं तो साथ के साथ जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मेरे टीचर के ही हैं ये, मेरे को अच्छी तरह आते हैं, थैंक्स टीचर सच टाइप नोट्स देने के लिए। डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स से नोट्स इजीली नहीं मिलते, डिस्टेंस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स अगर कर लिया हो तो। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, जैसे टाइम की बात करी थी ऐसी ही बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, ये भी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। अब डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है, सो द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाई द पार्टिकल इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब कोई भी मान लीजिए ए यहां पर है, बी यहां पर है, ठीक है, इन दोनों का पाथ इस तरीके से बना हुआ है, तो जो एक्चुअल पाथ कवर्ड करा जाएगा पार्टिकल के थ्रू दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऐसा यूनिट है इसकी मीटर, ठीक है, और डिस्टेंस को आप डिक्रीज इंक्रीज कभी नहीं कर सकते, जैसे आप कभी टाइम को नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यही था कुछ डिस्टेंस के बारे में, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यही है डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होती है डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा यूनिट अगेन मीटर। अब फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो ये मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, सॉरी मैं डिस्टेंस बोल गया, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज कवर्ड बाई द पार्टिकल बिटवीन टू पोजिशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये तो हमने बात कर लिया डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया था, ये था डेल्टा डिस्प्लेसमेंट का, जो मैंने पोजीशन वेक्टर में बताया डेल्टा आर इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर। अब फ्रेंड्स ये देखो डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करे,
जब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव हो सकता है? तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से पार्टिकल यहां कवर करेगा, मान लीजिए एक यहां से यहां तक है, तो यहां से पार्टिकल क्या कवर करेगा, यहां से यहां तक, तो ये जो है नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस का, और जीरो हो सकता है कब सर्कुलर पाथ पे मूव करें तो। डिस्टेंस कवर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नल आएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़ा एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड होती क्या है। तो फ्रेंड्स आप कभी भी कहीं जाते होंगे कार वगैरह खरीदने, तो आप बोलते होंगे भैया ये एवरेज स्पीड कितना दे रहा है, भैया एवरेज स्पीड बताओ जब ही खरीदेंगे हम। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे आपसे। एवरेज स्पीड होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और क्या है इसका यूज। देखो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड, अगर कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है एक यूनिट ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। मतलब द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स इन पर यूनिट टाइम, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हो आप, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही लिख देता हूं, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टाइम इंटरवल, यानी टोटल कितना टाइम था। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटे से डोनेशन नोटेशन से, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है, वो ये बोलता है एक पार्टिकल था जिसने टोटल डिस्टेंस कवर्ड करी 50 मीटर इन 1 सेकंड, 50 मीटर इन 5 सेकंड, 50 मीटर इन 5 सेकंड, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो 50 मीटर टोटल डिस्टेंस है इन 5 सेकंड, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड उसका एवरेज स्पीड आ गया। अब ये तो हो गया एवरेज स्पीड, ये जो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर एवरेज वेलोसिटी होगा। देखो फ्रेंड्स स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट के बीच में, और वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट, दो मतलब पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मतलब कोई दो पॉइंट है यहां से लेके ए से लेके बी तक का जो पोजिशन है, मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ए और बी को अगर हम ऐसे पाथ करें आर फॉर्म में, तो ये होगा डिस्टेंस जो आपका स्पीड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही फर्क है, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को फ्रेंड्स कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, यानी कि वी वेलोसिटी एवरेज, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल। अब देखो फ्रेंड डिस्प्लेस, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं एरो, पर यूनिट डेल्टा टाइम, और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी एसआई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अगेन। अब बात करते हैं, नहीं नहीं फ्रेंड्स एक मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करा किसी पार्टिकल ने,
डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल में करा 20 और टाइम था 2, तो आ जाएगा अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा एग्जांपल था, क्योंकि फ्रेंड डिस्टेंस से ऑलवेज कम होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने कोई एक डिस्टेंस कवर करी, एक कोई डिस्टेंस कवर करी, मान लीजिए एक दो पॉइंट थे, ये तो था ए, ठीक है फ्रेंड्स, और ये था बी, ठीक है फ्रेंड्स। दो पॉइंट्स थे ए और बी, वहां से आपने डिस्टेंस कवर करा। अब फ्रेंड्स क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? मान लीजिए ये नोएडा है, यहां से मैं जा रहा हूं दिल्ली, तो मेरे पास एक जगह है, ये इसको मान लेता हूं मैं पी, जो कि है सिर्फ 10 मीटर की। एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहीं से आपको पता चलेगा। कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब स्पीड से, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम ऑफ इंटरवल, एट एनी टाइम ऑफ इंटरवल, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, तो मैंने पूछ लिया ए है ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश के बीच में उसकी स्पीड कितनी थी, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी भी टाइम पर पूछ लिया, जो कि 10 मीटर की है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, उसमें स्पीड कितनी थी, यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और थी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ और होने की वजह से जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ही पूछ लिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, जो जस्ट स्पीड का होता वही होता, लेकिन इसमें होता है कुछ चेंज, दैट इज मैं बताता हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। स्पीड किसी पार्टिकल की एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VINS इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू DR/DT। अब DR क्या है, अगर आप फिजिकल वर्ड पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा DR क्या है और DT क्या है। DT मतलब जो मैंने एक मतलब ये जो 10 मीटर का लिया था ना, तो ये 10 जो स्मॉल चीज है ना, ये पूरी ए और बी के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि फ्रेंड्स नोएडा से दिल्ली तो 10 मीटर नहीं हो सकता ना, तो इस बहुत स्मॉलेस्ट नेग्लेक्जिबल डिस्टेंस है, तो इसको हम DR लिख देते हैं, जो नेग्लेजिबल होता है उसको D से R लिख देते हैं। जैसे मेरा नाम कनक है, तो मान लीजिए मैं अपने नाम को नेग्लेजिबल कर रहा हूं, तो मैं अपने नाम के आगे D कनक लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब DT यानी टाइम, स्मॉल टाइम, कोई टाइम ही रहा होगा, क्योंकि 10 मीटर यार सिर्फ 2-3 सेकंड में हो गई होगी पार, अगर अच्छा खासा स्पीड होगा। और ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी SI यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आपने तो बहुत लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सोच लिया होगा क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हो। देखो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए एक कोई ये था और यहां से कोई डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट पे यहां मैंने अगेन पूछ लिया है 10 मीटर पर कितनी स्पीड रही होगी। ये ए से लेके बी तक जो फुल लाइन है वो डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो वो कितनी रहेगी डिस्प्लेसमेंट पर स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात कैसे करेंगे, बात सिर्फ इस तरीके से करेंगे, जैसे स्पीड होता है ना उसी तरह डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इजीली वे में फाइंड हो जाता है, लेकिन जो स्पीड होती है डिस्टेंस होती है वो इजीली वे में फाइंड नहीं होता। क्यों फाइंड नहीं होता, उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्पीड में होती है बहुत सारी मोशन की यूनिट्स, मोशन की यूनिट्स को हमें डिफाइन करना होता है ना,
इसलिए हम उनको नेग्लेजिबल नहीं कर सकते। तो यही है, अब एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक टाइम पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया, और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो होती है डी आर वेक्टर बाय डीटी। समझ गए होगे मैंने वेक्टर क्यों लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन नाइन्थ में काफी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, टेंथ में तो है ही नहीं कहीं ऐसा, क्योंकि मैकेनिक्स नहीं है, नाइन्थ और इलेवेंथ में होती है मैकेनिक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सभी की बात करें, देखो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीजें जो लोग भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ होती है आगे जाके। सो द टोटल, अगर हम एक्सेलरेशन को इजी वे में डिफाइन करें तो ये होता है द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चलो आपको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी वाई टी, और डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। डेल्टा टी भी लिख सकते हैं चेंज इन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के मैंने बारे में बता दिया, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो ये हो गया, चलो कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं, नहीं चलिए मैं आगे लिखूंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स द चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, द चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसका चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स नहीं आया होगा ये समझ में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एवरेज वेलोसिटी हो, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस की जगह क्या है, वेलोसिटी, यानी कि टोटल वेलोसिटी ट्रेवल्ड, यानी टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चलो फ्रेंड्स एक अच्छी नोटेशन लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तो फ्रेंड्स इजीली फॉर्मूला है जस्ट। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, वो ही होगा वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो एसआई यूनिट वगैरह एक चीजें तो रट गई होंगी फ्रेंड्स, अगर अभी भी नहीं रटी हैं तो इनको चीजें को फ्रेंड्स थोड़ा तैयार कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यही आपकी क्वेश्चंस की जर्नी को बताती हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, वो है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टेकन इज 4 सेकंड्स, क्या 4 सेकंड ही लेते हैं, चलो फ्रेंड्स इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए 4 सेकंड्स ही लेते हैं। अब फ्रेंड्स वो बोलता है एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 10 - 2 = 8, ठीक है फ्रेंड्स आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स ये इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस, इनमें कुछ
ज्यादा लफड़ा नहीं होता और क्वेश्चंस की तरह, ठीक है? अब एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ फ्रेंड्स देखो, एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये को फ्रेंड्स हमेशा हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक के ऊपर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। क्योंकि फ्रेंड्स एक छोटी वैल्यू, ठीक है, इसको और फॉर्मूले हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट आर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, डी स्क्वायर डी वी बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर बाई आर डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जरूर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्वायर नहीं आएगा तो एक गलत हो जाएगा, फिर वेलोसिटी काउंट कर जाएगा। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये तो बात थी फ्रेंड्स, एक छोटी बातें जो होती हैं एक क्लास में, जिनकी वजह से पूरा चैप्टर जनरेट होता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? द इक्वेशन विच आर यूज टू डिफाइन द वेलोसिटी द डिस्टेंस एंड द बस वेलोसिटी और स्पीड एट अ, देखो फ्रेंड्स एक इजी डिफाइन बनाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन आर दोज इक्वेशन विच आर यूज टू डिफाइन द स्पीड द वेलोसिटी द डिस्टेंस द टाइम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ देयर मोशन। मतलब कोई भी मोशन होता है, चाहे एक्सेलरेशन हो रहा हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो रहा हो, उनकी वजह से हम अगर स्पीड वगैरह कुछ भी चीज़ डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे एक डिफाइन मैंने खुद ही बनाया है, इनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली होती है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यू प्लस माइनस, दूसरी होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as है 2gh, सॉरी as, अभी gh तो एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। तो फ्रेंड्स, और फोर्थ इक्वेशन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कर लो याद, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1 sn is equal to u by 2 u plus a by 2 2n माइनस 1। अब फ्रेंड्स क्या है, जो v v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम s डिस्टेंस, और आप सब जानती हो, और n होता है एक कोई सेकंड्स, कोई सेकंड यानी 5/5 सेकंड, ठीक है, वो n होता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स आपके लिए एक बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू यूज होगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी जी की वैल्यू, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये तो एक छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं इनके डेरिवेशन की। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए, तीन नंबर का आता है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने पहली तीन लिखी है उनको ड्राइव करिए। तीन नंबर की आती है, एक नंबर की तीनों, चलिए ड्राइव करते हैं। तो पहले इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, v is equals to u plus at, u plus minus at। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे a is equals to dv by dt, ठीक है, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से प्रूव कर लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, a is equals to dv by dt, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पे बने और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो जाएगा ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। अब
ये तो आपने कर दिया, अब लगाओ इंटीग्रेशन दोनों साइड। देखो फ्रेंड्स, मैथ वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे इंटीग्रेशन, लेकिन बायो वाले नहीं समझ पाए होंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दो चीजें होती है। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन, सॉरी आई वन से लेके आई एन तक, देखो एक चीज होती है समेशन यानी समसोन। अगर हम कोई चीज मान लीजिए समय हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से जोड़ लेते हैं। एक होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, मतलब कोई चीज 100 पार्ट्स में है, अगर तोड़ के हम 10 पार्ट्स बना दें तो वो होती है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंट, यानी कि डिफरेंशिएशन। उसको हमने डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब माइनस, यानी तोड़ दिया एक्चुअल वैल्यू से, तो होता है डिफरेंशिएशन। अगर कोई वैल्यू हमारे पास 10 है, उसको हमने बना दिया एक 100, तो वो हो गया इंटीग्रेशन, यानी कि हमने जोड़ दिया। ठीक है, देखो सम इसको बस टेढ़ा खींच दिया है और एक इंटीग्रेशन का फॉर्म, मतलब इसको ऊपर के फॉर्म में, इसको नीचे के फॉर्म में, और इंटीग्रेशन का साइन लिया आया है। ठीक है, इंटीग्रेशन का होता है जोड़ना, और समेशन का मतलब भी होता है सारी सम को वैल्यू को जोड़ना। ठीक है, अब लिखते हैं स्टेप, इंटीग्रेशन लगाओ दोनों साइड, क्योंकि हमें इनको जोड़ना है ना। प्रूफ में तो यही होता है फ्रेंड्स, कुछ भी कर दो मतलब जो करना होता है वो तो ऑलरेडी साइंटिस्टों ने कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो डी दोनों जगह कॉमन है तो डी को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या मिला हमको, आगे मिला हमें ए टी इज इक्वल्स टू वी। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो हमने ये मिला, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कहां से कहां तक वैल्यू होती है, एक तो यहां पुट करते हैं एक यहां, उनको बोलते हैं रेंज, यानी कि उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना होता है मैक्सिमम से मिनिमम। तो हम लिखते हैं जीरो से लेके टी तक, यू से लेके वी तक। ठीक है, अब जब हमने ये लिख दिया तो हम इसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में लाएंगे, जैसे आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सीखा था। फिर जो इनको ये हमने यहां लिखा, तो इनको हम यहां लिख देंगे U से लेके V तक और 0 से लेके T तक, पुट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें मिलेगा AT और यहां मिलेगा V माइनस U। ठीक है, V माइनस U, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल्स टू U प्लस AT, हेंस प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसको उतारना है उतार ले, कुछ नहीं, सबसे पहले एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती है इसकी वजह से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन लगाओ, रेंज पुट करो, आ जाएगा आंसर। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको प्रूव करेंगे वेलोसिटी के dr / dt से। आई फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा ये काफी हार्ड है, लेकिन काफी इजी है। s is equals to ut plus half at square, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसको हम प्रूव करेंगे v इक्वल्स टू dr / dt। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, v dt इज इक्वल्स टू dr। अब फ्रेंड्स देखो, dr जो हमने पहले प्रूव करा था उसमें से हम dr की वैल्यू ले सकते हैं, वो क्या होगी, dr इज इक्वल्स टू vt, v dt हो गया, dr इज इक्वल्स टू v dt। देखो फ्रेंड, वो था डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने इतना कवर करा था पहले, तो dr की जगह हमने dr कल के एक्सचेंज कर लिए, मतलब वैल्यू, मतलब आगे पीछे हम कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, dr = v dt। अब वेलोसिटी कितनी थी, अगर हम पहले फॉर्मूले में जाएं तो वेलोसिटी थी v = u + at, तो v की जगह u + at पुट करिए, u + at dt, इंटीग्रेशन लगाइए दोनों साइड, d को कैंसिल करिए। ठीक है, जैसे ही कैंसिल करोगे रेंज पुट करोगे और ठीक है, रेंज पुट करोगे जीरो से लेके टी तक, और इसको पुट करोगे जीरो से लेके एस तक, और आर को, आर एक डिस्टेंस है, इसको हम एस लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चेंज करो, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर जीरो से लेके टी तक, पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास s is equals to ut plus at square by 2। अब ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप बोलोगे गलत है, तो ये मैं t है फ्रेंड्स, देखो ये, इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूं ऊपर, s is equals to ut plus ये हाफ है, तो फ्रेंड्स ये अगर बाहर निकलेगा ये हो जाएगा हाफ, हाफ
ठीक है फ्रेंड्स, समझिए हाफ ए टी स्क्वायर एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स यू टी ये रहा प्लस हाफ वन बाई टू होगा ए ओवर टी को हम अगर हम कलेक्शन में लिख दें तो ए टी स्क्वायर हाफ बाहर निकल जाएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थोड़ा मूड चाहिए। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू v dv by dt, यहीं से पुट होगा। देखो पहली इक्वेशन प्रूव हुई एक्सेलरेशन से, दूसरी हुई वेलोसिटी, और थर्ड अगेन हो रही है एक्सेलरेशन से, इज इक्वल्स टू v dv by dt। ठीक है, सॉरी v dv by dr। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें ऐसे ए डी टी इज इक्वल्स टू वी डी वी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ए टी इजक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन का आपको मतलब पता है, आपको अभी बताया मैंने। ठीक है, यू से लेके वी तक, तो हमें मिल जाएगा ये ए टी जीरो से लेके टी तक यू वी स्क्वायर से लेके वी तक, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हो गया फोर्थ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी थ्योरम जरूरी नहीं है, उसका रिजल्ट जरूरी है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सिंपल एक इजिली फंडा होता है। मैं आपको बता देता हूं क्या है वो, इजी वे में आपको पता चल जाएगा। तो वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थी एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, अब एंथ का मतलब होता है कोई भी सेकंड, यानी कि मैं मान लेता हूं सिक्स्थ सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कितनी, मेरी डिस्टेंस कितनी थी। अगर यू मेरा 5 मीटर पर सेकंड है और ए मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एन तो मेरे को गिवन है 6 सेकंड पर, तो एस एन जो है 6 सेकंड पर मेरा होगा 5 प्लस 10 बाई 2 बाई 2 2 6 है 12 माइनस 1 11 डेट इज। ठीक है, 20 बाई 2 डेट इज 11 110 मीटर। तो हम यहां से एक मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है, अब ये तो हो गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आगे चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कितना होता है, अगर मैं मान लो ग्रेविटी के अंदर हूं और मैं मोशन कर रहा हूं तो मेरा मोशन कितना होगा। तो मान लीजिए कोई सरफेस है, बॉल मैंने पहले ऊपर फेंकी, वो बाद में उसी सरफेस पर वापस आ गई। ठीक है, तो वो जो है ऊपर जाएगी, सबसे पहले वेलोसिटी स्लो होगी, सॉरी सबसे पहले वेलोसिटी फास्ट होगी, देन स्लो स्लो होती चली जाएगी, टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो होगी तो जब जीरो होगी तो एक आके में एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर वो वेलोसिटी वो नीचे आ जाएगी बॉल। जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी जब नीचे पहुँचेगी, नीचे भी एक सबसे पहले डिक्रीज थी, अब इंक्रीज होगी, अब उल्टा होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, तो ये तीन इक्वेशन मोशन लिखो पहले दोबारा, v इक्वल्स टू यू प्लस at, तो a को रिमूव हो जाएगा g से, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर होता है, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड g ग्रेविटेशन होता है, दोनों के मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ऐसा यूनिट है u प्लस gt। ठीक है, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो हो जाएगा ग्रेविटेशन के अंदर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हो जाएगी v स्क्वायर, वो हो जाएगी ग्रेविटी के अंदर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है फ्रेंड, h या s, h डिस्टेंस होता है, s भी डिस्टेंस होता है, h हाइट के लिए जनरली हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड्स इतना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, मान लीजिए एक बॉल मेरा यहाँ से यहाँ तक था,
तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, मतलब ऊपर गई फिर नीचे आई, मतलब जो उड़ी बॉल फिर नीचे आई उसमें टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट लगा 2u/g। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अगर कोई भी मान लीजिए डिस्टेंस और किसी की इनिशियल डिस्टेंस है फिर वो फाइनल डिस्टेंस तक पहुंच रहा है लेकिन ग्रेविटी में मोशन हो रहा है, ग्रेविटी का मतलब अर्थ सरफेस में नहीं है एयर में मोशन है, तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है 2u/g। अगर हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है, देखो फ्रेंड्स, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ मतलब इसी पोजीशन पर दोबारा पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? देखो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक मैक्सिमम फोर्स से पहुंचेंगे, फाइनल वेलोसिटी आते आते भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन कितनी होगी? जब ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रही है, ठीक है, तो नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस वी। जब वो आ रही है तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी पॉजिटिव होगी, तो होगी वी। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ये जो है मैक्सिमम हाइट, यहाँ मतलब ये जो है मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट होगी u²/2g। ये फ्रेंड्स इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये 11th है तो 11th में आपको ऐसे ही याद करना होगा, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट थे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, वही आते हैं, वही कर लेना, तीन नंबर के वही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, एच हो गई, इनके कोई मतलब जरूरी नहीं है इनके भी डेरिवेशन याद करो, फॉर्मूले याद करने से हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अब हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट है, इसके हाफ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? सबसे पहले मान लीजिए मैं अपवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशन के अपोज, तो टाइम लगेगा मुझे t√2/2 u/g। अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, तो अगेंस्ट के लिए आएगा माइनस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नीचे आ रहा हूँ तो टाइम 2 कितना लगेगा, यानी ग्रेविटेशन के लिए जा रहा हूँ, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में u/g। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मैक्सिमम हाइट पे कैलकुलेट हो गया। अब किसी मान लीजिए मैं एक जनरल हाइट पे पहुंच गया, यहाँ पर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लूँ कितना होगा, तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा श्रद्धाचार्य वाला, तो वो ही है यहाँ पर, तो मैक्सिमम मतलब टाइम कितना लगेगा यहाँ पर पहुँचने में? ठीक है, वो लगेगा हमारा 2u, मैं आपको एक बार वेरीफाई करवा के साथ ही साथ लगवा दूँ, 2u±√4u²-8gu/2g। ठीक है जी, ग्रेविटेशन u, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा रहेगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला सही इतना ही रहती है। अब ये तो हो गई फ्रेंड्स एक बात, अब फ्री फॉल मोशन क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर कोई मोशन ग्रेविटी से, ग्रेविटी में हो रहा है और वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, जैसे एप्पल गिरा न्यूटन के लिए, न्यूटन के सिर पर, तो ग्रेविटेशन में हुआ ना, वो नीचे ग्रेविटी की तरफ गया तो फ्री फॉल मोशन हुआ। ठीक है, अगर कोई अपोज जा रहा है तो हम उसको फ्री फॉल मोशन नहीं कहते, क्योंकि फॉल मीन्स होता है गिरना और फ्री का मतलब कोई फोर्स उस पर इंक्लूड नहीं हो रही, जब हम नीचे ऊपर गिराएंगे तो उस पर फोर्स इंक्लूड होगा। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, एक बिल्डिंग थी जापान में, आई थिंक जापान में थे, गैलीलियो ने करा था, तो उन्होंने क्या करा था, एक पत्थर फेंक दिया था, मान लीजिए वो 100 kg का पत्थर था, उन्होंने नीचे फेंक दिया, तो उन्होंने देखा जो उसकी उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो उन्होंने बोला अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, ठीक है, तो वो होती है v=ag t, ग्रेविटेशन हो रहा है, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को रिमूव कर दें तो v=gt, फ्री फॉल मोशन पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, फ्री फॉल मोशन है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दूसरी इक्वेशन दी उन्होंने, s=ut+ ½ at² होता है, तो यहां से आ गया s=ut, 0 हो गया, ½ gt² एक फ्रेंड जी करो, ठीक है, मैं मिस्टेक हो गई है सॉरी उसके लिए, तो और थर्ड इक्वेशन मोशन होगी v²/2gh या 2as, तो ये हो जाएगी v²/2gh या 2as। ठीक है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, जिसको हम v=√2gh भी लिख देते हैं। ठीक है, फ्री फॉल मोशन में गैलीलियो ने बताया,
तो यहीं से क्वेश्चन आता है, अगर हम 1 kg कॉटन को और 1 kg पत्थर को फेंक दे तो कौन नीचे जाएगा? तो पत्थर नीचे जाएगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग वो बोलते हैं कि वेट की वजह से नहीं होता ये, लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है ये वेट की वजह से होता है। और दूसरा रीजन इनका सरफेस एरिया, ठीक है, पत्थर आ जाएगा इतना सा, कॉटन आएगी इतनी, ठीक है। अब बात करते हैं 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन आपने क्रिकेट देखा होगा, बॉल जाती है एक कर्व शेप बनाकर, ठीक है, वो जो कर्व्ड शेप होता है वो ही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और ये 2 डायरेक्शन में होता है, एक एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या फिर जेड एक्स एक्स एक्सिस। बना लेते हैं अगेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन। तो यहां से बॉल जाएगी, यहां जाएगी, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो होगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2D मोशन बोलते हैं क्योंकि 2 डायरेक्शन होता है, ठीक है। अभी तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैं आपको बताऊंगा इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होता है। और सबसे पहले बात आती है, देखो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी करा था, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन हम बात करते हैं, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी अगर एक एंगल इंक्लूड है। उसमें एंगल इंक्लूड नहीं था, उसमें जस्ट बॉल 90 डिग्री पर था, ठीक है। अगर एंगल इंक्लूड है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो होगा 2u sin theta by g। देखो फ्रेंड्स सब वही है, बस sin theta इंक्लूड है क्योंकि एंगल इंक्लूड है इसमें। और टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना होगा, अगर sin theta 1 है तो मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, वो होगा 2u by g t max जितना उसमें था। रेंज कितनी होगी, रेंज होगी u square sin theta by g, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, वही sin theta को 1 कर दो, u square by g, ठीक है फ्रेंड्स। मैक्सिमम रेंज वगैरह यहाँ से कैलकुलेट हो गई। ये तो फ्रेंड्स हो गया अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं सिंपली किसी बॉल का, मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर तो वहां पे क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बात कर रहे हैं। अगर इंक्लाइंड मोशन है हमारे पास, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड प्लेन है, तो वहां कितना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो आप चाहते हैं, अगेन कार्टेशियन प्लेन बनाइए। इस बार मान लेते हैं हम 2 एक्सिस मान लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये 2D मोशन है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक वेज रखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है। एक बच्चा आया, उसने बॉल को ऐसे मारा, वो इस डायरेक्शन में जाके यहाँ टच होके यहाँ हो गए, तो वो जो एंगल होगा ये होगा साइन अल्फा और ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन अल्फा होगा, कॉस थीटा होगा, हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली में 2u/g होता है, लेकिन हमारा लग गया अल्फा, तो यहाँ से हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी साइन अल्फा की और नीचे हो जाएगी कॉस थीटा की। सिंपल वही है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, देखो कॉस थीटा जब 1 होगा और साइन थीटा भी 1 होगा, यानी कि 2u/g, देखो वही आ रहे हैं फॉर्मूले सब मैक्सिमम के लिए, ठीक है। रेंज कितनी होगी, रेंज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इजी फॉर्मूला है मेरे पास, 2u² साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा प्लस थीटा, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने काफी छोटा कर दिया है इसको, जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये है। और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, यानी कि सब 1 कर दो इनको, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, ये 1, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, यानी कि मैक्सिमम रेंज 2² / g, ठीक है। मैक्सिमम रेंज इतना होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू आएगी, मैक्सिमम रेंज इतना होगा, ठीक है। अब एच मैक्स कितना होगा, मतलब इसकी एक हाइट रही होगी, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया और यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया, तो जो एच आएगा, यानी कि हम एक एच निकालते हैं, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके का हो,
फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो इसके लिए हुआ वो इसके लिए ही हो जाएगा, ठीक है? ये छोटी सी बात थी मुझे आपको बतानी थी। हाँ, तो अब हमने बात कर ली है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की, और एक हमने बात कर ली है एक मतलब इंक्लाइंट प्रोजेक्टाइल की। अब हम बात करेंगे टावर प्रोजेक्टाइल की। अगर किसी टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है? यहां से अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, कोई यहां आएगा ऑब्जेक्ट, 2D मोशन है अगेन, ठीक है? ए ओ बी नाम दे देते हैं कुछ भी, थीटा है, ठीक है, अल्फा वगैरह कुछ भी मान लीजिए, 90 डिग्री होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यू इंटू, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो जमीन तक टाइम लगेगा पहुंचने में वो कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा 2hyg, ठीक है? अब u प्लस 2hyg, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी गैलीलियो के अकॉर्डिंग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2hyg अंडर रूट में, ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, ठीक है, ये जो है नीचे वाला। अब रेंज कितनी होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है? वो बोल देगा क्वेश्चन में कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, वो होती है यू इंटू रूट 2hyg। हाँ, तो फ्रेंड्स ये होती है यू इंटू रूट 2hyg। ये तो टाइम फ्लाइट था और रेंज थी अगर हमसे टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। हाँ, अब आगे चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? देखो आप कभी मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, बोर्ड पे अच्छा समझ में आएगा आपको, थिंक मैं मानता हूँ। आप यहां खड़े हो, ठीक है, दोनों जो है 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है कोई, तो आप यहां खड़े हो तो आपसे पूछा जाएगा इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है, आप बोलो 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, यहां पर बिठा दिया, आपसे पूछूंगा वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी आप बोलोगे 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। नहीं फ्रेंड्स, अब ये गलत है, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक है? तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसकी जीरो और इसकी जीरो। अब मान लीजिए अब डायरेक्शन कर दी मैंने अपोजिट, और आपको मैं दोबारा लिया है यहां, आपसे पूछूंगा अब वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलोगे इसका 50 मीटर पर सेकंड, इसका 50 मीटर पर सेकंड। बट अगर मैं दोनों के रिलेटिव में पूछ लूँ अब कितना इसका कितना और इसका कितना है, वो होगा 100 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी, और आप जैसे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे चाहते माइनस, इसलिए अगर आप माइनस अगर वी का पुट कर दे तो मतलब किस आपको दिया गया होगा दो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ए मान लेना, सेकंड ऑब्जेक्ट को बी मान लेना, और वेलोसिटी पुट करना, आंसर करेक्ट आएगा, इसलिए मैंने माइनस ब्रैकेट में पुट करके माइनस लगाया है, ठीक है? अब रिलेटिव वेलोसिटी तीन जगह पॉसिबल है, यानी 2D मोशन के टाइप्स तीन टाइप्स हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, और तीसरा है विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अब बात आती है रेन, सबसे पहले बात करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम की। तो जब छाता लेके जाता है कोई आदमी, रेन पड़ती है, ठीक है, तो उसमें उसका जो छाता है उस जो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है किसी एक एंगल से, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी मैन की कितनी होगी? तो वेलोसिटी होगी जो मैन की, मतलब हमें डिफाइन करनी है मैन की रेस्पेक्ट में किसके, रेन के,
तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले कोई सा याद कर लीजिए, एक्सचेंज कर लिए मैंने। अब दूसरा है विंड एरोप्लेन। विंड एरोप्लेन में क्या होगा, ये मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो आपसे वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी क्या होगी एरोप्लेन की, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, दूसरा केस यहीं पर आता है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सॉरी माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये दो केसेस है। अब रिवर मैन प्रॉब्लम, ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है। अगर आपके पास यहाँ पर एल्फा दे दिया, ठीक है, एल्फा दे दिया, एल्फा किसी भी एंगल पर दे सकता है, तो एल्फा होता है टेन इनवर्स, मतलब इन टू में टेन इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इन टू में टेन इनवर्स, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। ए और भी कोई से ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब रेन मैन प्रॉब्लम हो गई, विंड एरोप्लेन हो गई, अब बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आने के चांसेस रहते हैं। अब एक बात बतानी है आपको, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं ना फ्रेंड्स, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं और उन्हीं को आप कर लीजिए, आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ये मुझे बताना था कि जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक रह गया, तक मैंने एक सब कवर करवा दिया, वो रह गया रेन मैन प्रॉब्लम, सॉरी रिवर बोट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना, एक रिवर होती है, उसका मान लीजिए वाटर जो है इधर फ्लो कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, एक कोई बोट यहाँ है ए, उसको बी पोजीशन पर पहुंचना है, लेकिन जब वो फ्लो होता है तो बोट स्टार्ट होके वो यहाँ पहुंच जाती है इसकी पोजीशन की जगह। वो ऐसा क्यों होता है, वो ड्रिफ्ट क्यों करती है, ठीक है, टाइम कितना लगता है उसको ऐसा करने में, जो उसकी डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार शूटिंग हो रही थी, पास में ही रिवर थी, तो सब वहाँ पहुँच गए थे, तो डायरेक्टर क्या था रिवर में बोट को उसको यहाँ से यहाँ लाना था, लेकिन वो बोट पहुँच जाती थी यहाँ तक, तो उसने क्या करा, उसने यहाँ पर एक एंगल से रिवर को बोट को छोड़ा, जब वो गई तो एक यहाँ पर ही पहुँची बी पॉइंट पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर एक फिजिक्स का एक लॉजिक लगा, उसने एक किसी एंगल पर एक बोट को छोड़ा, जब वो यहाँ पहुंची, अब वो स्ट्रेट छोड़ रहा है तो यहाँ पर जा रही है, ऐसा क्यों, अब हम स्ट्रेट छोड़ रहे हैं तो यहाँ क्यों जा रही है, यहाँ नहीं जाना चाहिए ना, यहाँ जब जाएगी तो जाएगी, लेकिन हमको भेजनी है बी पर, तो जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, मतलब जो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में रिवर, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा डी, यानी कि जो वो डी है वो मैं बता देता हूँ आपको, डी क्या है, जो ये है डी इज द डिस्टेंस रिवर की, डी वाई वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वी रिवर इन टू साइन थीटा। देखो ये तो आपको 90 डिग्री गिवन है, या आपको थीटा गिवन होगा, मतलब किस एंगल से वो छूट रही, मतलब छोड़ी गई है और कितना एंगल चेंज हो गया, ये आप निकाल ही लोगे। ठीक है, अल्फा टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो गया, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट ध्यान आ रहा है, टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर। अब जो ड्रिफ्ट होगा वो कितना होगा, ड्रिफ्ट के लिए जस्ट फ्रेंड सबसे पहले ये लिखो, क्योंकि ड्रिफ्ट के लिए डिस्टेंस टाइम तो लगेगा ये इतना ही, डी वाई बी एम आर साइन थीटा, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम तो इतना ही लगना है चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम तो इतना ही लगेगा। अब जब टाइम इतना लगेगा इन टू में कर देंगे इसको वी एम आर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई, सो वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा इन टू प्लस वी आर, यानी कि ये है, अगर हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है यानी कितना शिफ्ट हुआ, तो एक तो जितना टाइम लगेगा वो उतना टाइम लगेगा, और इनटू में ये कितना है, ये इतना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा प्लस वी आर। ठीक है,
मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट करो और कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करो, मतलब साइन थीटा 1 होगा कॉस थीटा 1 होगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम हो गया आपका डी बाई वी एम आर और मैक्सिमम ड्रिफ्ट हो गई आपकी डी वाई वी एम आर, ठीक है, इन टू वी एम आर प्लस वी आर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक थी हमारी जर्नी। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है आज मैंने आपको। तो सबसे पहले हमने जो हम चलते हैं, सबसे पहले हमने रेस्ट एंड मोशन पढ़ाए, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाए, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया, टाइम पढ़ाया, लोकेशन पोजिशन वेक्टर पढ़ाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ाया, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाए, फिर डेरिवेशन कराई उनकी, फिर बाद में हमने फिर मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी पढ़ा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट देखा हमने कॉमनली बॉल वाला, फिर हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी, फिर हमने किसी एक जनरल हाइट पर पहुंच रहे हैं तो उसमें टाइम कितना होगा, फिर हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर टाइम कितना हो वो हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन देखा बॉल वाला क्रिकेट बॉल में, फिर इंक्लाइंड मोशन पर प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, उसके हमने मैक्सिमम हाइट, ड्रिफ्ट, रेंज वगैरह, सॉरी ड्रिफ्ट नहीं, मैक्सिमम सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या निकला वहाँ से, रेंज निकली, रेंज के बाद टाइम, मैक्सिमम टाइम, फिर हमने टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, फिर हमने इंक्लाइंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, वही चीज़ निकाली जो हमको निकालनी थी, रेंज वगैरह, रिलेटिव वेलोसिटी देखी, रिलेटिव वेलोसिटी में हम रिलेटिव मोशन इन 2D देखा जिसमें हम रेनमैन प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम देखी। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत और अगर डेप्थ में पढ़ना हो, ठीक है, ये चैप्टर इससे पहले मैंने आपको फिजिकल वर्ड पढ़ाया उसको पढ़िए, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स कवर करें, जितने हेडलाइंस हैं और जितने यूनिट्स एंड मेजरमेंट है जो सेकंड चैप्टर है वो भी कवर करा है, और ये थर्ड चैप्टर था। अगर आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहिए चैनल पर इसी तरह। बाय।